हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा रिक्रूटमेंट बताने आऊँ जिसे आप सुन के बहुत खुश हो जाओगे। ये जो रिक्रूटमेंट निकला है भाई, ये फॉरेस्ट गार्ड में निकला है, ठीक है ना? तो फॉरेस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट है, तो मैं आपको सारे बताऊँ कितनी कितनी पोस्ट निकली हैं, कौन कौन से पोस्ट का नेम है एंड क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है और भी बहुत कुछ, ठीक है ना? तो इस वीडियो मेरे पूरे फुल एंड वीडियो लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना? बट अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। उससे क्या होगा, आगे जितनी वीडियो मैं डालूंगा गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट, वो आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस भर्ती में ज़्यादा देर ना करते हो। तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती लिख ली है भाई, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन में, 2021 फॉरेस्ट गार्ड। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 894 है। पोस्ट नेम फॉरेस्ट गार्ड है। ये अभी ये कैटेगरी अवेलेबल सुन लास्ट में होगी, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम ले लेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जब लगेगी उस बेस पे ही आपका ये सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? अवेलेबल सुन पोस्ट आपको जब ही बताएंगे। अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मेल एंड फीमेल में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लग सकती है। आपकी सैलरी है लमसम, जब मैं बता दूँ आपको, ज़्यादा इसमें पढ़ते हुए नहीं, सिंपल सी बात बता देता हूँ, जब भी आपकी सैलरी जब आप लग जाओगे इसमें तो करीब करीब आपकी 35,000 प्लस सैलरी होगी। फीस आपकी भाई इतनी है, 200 रुपये इसकी, और SC ST की भी 200 रुपये है। कोई छूट नहीं है, कभी तुम सोच रहे हो छूट ले लो, SC ST की भी कोई छूट नहीं है। एज लिमिट भाई आपके 18 से 25 है, OBC के 18 से 28 है, SC ST के 18 से 30 है। इसमें मिल गई ना SC ST वालों को और OBC वालों को छूट। अरे ये भाई ड्रेस है फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है? नहीं, हाइट की बात बता दूंगा आपको। मेल कैंडिडेट के 165 सेंटीमीटर है, फीमेल के 152। नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट के मेल के 150 सेंटीमीटर, नहीं फीमेल के 150 और मेल के 160। नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट के लिए कोटा दिया हुआ है, रिजर्वेशन दिया हुआ है इसमें। मेल कैंडिडेट की चेस्ट क्या बता दूँ, 79 चाहिए और प्लस 5 चाहिए फुला के। आपको सिग्नेचर एंड फोटो भी अपलोड करने पड़ेंगे। फोटो का लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इधर 10th पास का डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन और आधार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 चाहिए या उसके बराबर कोई भी। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल और लास्ट में DBO होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट लेगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है भाई? ये अभी आए नहीं है वैसे, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही है, जो फॉरेस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से ही मैंने डाउनलोड करा है, ठीक है ना? ये अभी नहीं आए हैं, तो मतलब ये मान लो लमसम आपका जनवरी के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगे, फरवरी के लास्ट एंड तक ये फॉर्म आपके खत्म होंगे। बाकी इसकी कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो, और नोटिफिकेशन मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, ठीक है भाई? और भाई अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड या इसी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कुछ भी जानकारी पूछनी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको निश्चिंत होकर आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है भाई? और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, पसंद आए तो लाइक भी कर दियो, और भाई इस वीडियो को शेयर भी कर दियो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। उससे क्या होगा, अगर इतनी भी आपको वीडियो मिलेंगी सारी मिल जाएंगी।